बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं ये वीडियो देखकर, अभी मैंने देखी है जी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो, अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर भाई आज वीडियो आई है तो मैंने भी अभी देखी है। तो मैं ये वीडियो देखने के बाद ये सोच रहा था कि मैंने ऐसे वाकयात बहुत ही कम देखे हैं। अच्छा, लाइव तो मैंने ऐसा कोई सीन देखा ही नहीं है सऊदी अरेबिया में, आप हकीकत बात आपको बताऊं मैं। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक दो वीडियो ऐसी ज़रूर देखी थी पहले, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियो क्या है, आपको पिक्चर कुछ दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो क्लिप भी दिखाना शुरू कर दूंगा आपको। ये मक्का अल मुकर्रमा में वाकया पेश आया है। मक्का अल मुकर्रमा में मैंने बहुत से देखा है, खासकर सहन में औरतों को देखा है, और खासकर जो ब्लैक कलर काली होती हैं उनको, कि वो भाई ऐसे चलती हैं ऐसे, तो उससे लोग थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मैंने लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं देखा है। लेकिन ये वीडियो क्लिप आपको साथ में दिखा रहा हूँ मैं, आप देख रखे होंगे, इसमें गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और शारा हमरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर भी। शारा हमरा मक्का में है, मैंने इस रोड का भी विजिट किया हुआ है, आपके साथ मुख्तलिफ वीडियो शेयर की हुई हैं। तो वहाँ पर ये झगड़ा हुआ है जी, गाड़ियाँ कुछ दरमियान में कुछ खवातीन कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं तो आपस में झगड़ा कर रही हैं। पहले मैं जब ये वीडियो देख रहा था उस टाइम मैं यही सोच रहा था कि ये कुछ मुझे गैर मुल्की लगती हैं, यानी कि इंडोनेशियन हो सकती हैं या फिलिपिनन हो सकती हैं, घर की खातमाएँ वगैरह, सऊदन ऐसे झगड़ा करती भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो के आखिर में आप एक चीज़ देखेंगे कि जब ये झगड़ा वो कर रही थी साइड पर हुई है, वो गाड़ी की दूसरी तरफ से एक जो लड़की उससे झगड़ा कर रही थी वो दूसरी तरफ से जब घूमी है तो गाड़ी के अंदर से एक लड़की उतरकर उसके साथ चली है जी। ये दोनों ब्लैक कलर की हैं, काली हैं, ये बात तो कन्फर्म है कि ये दोनों सऊदन हैं। ये मक्का में आपको पता ही काली हैं, ब्लैक कलर की खवातीन बहुत हैं, लड़कियाँ बहुत हैं, तो ये दोनों तो कन्फर्म है, मुझे लगता है कि ये दोनों सऊदन हैं। लेकिन बाकी जो हैं वो मुझे वाकया ही इंडोनेशियन या फिलिपिनन लगी हैं। इन दोनों ने कोई ना कोई किसी किस्म की उनसे चोरी वगैरह की है या किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ है। बहरहाल डिटेल नहीं बताई कि ये झगड़ा किस चीज़ के ऊपर हुआ है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई है। अभी मरूर देखेगा ये वीडियो, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी पूछ पूछ होगी इनसे वो तो जारी रहेगी बात में।